लेकिन अपने लोगों के लिए मैं अभी भी खड़ा हूँ। बहुत थका हूँ, बहुत लोगों ने गलत चीज़ कहा है, आज मेरे ऊपर अटैक होता है, मैं आपका ढाल हूँ। जिस दिन मैं हट जाऊँगा, वो जो ढाल है आपका, जो शील्ड है, जो प्रोटेक्शन है, वो नहीं रहेगा, आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक होगा। मैंने आज इतना जहर अपने खिलाफ़, इतना जहर मेरे खिलाफ़ फैलाया गया है, इतना लोगों ने विश्वासघात किया है, तभी भी मैं सवेरे उठकर फाइट करता हूँ, आपके लिए फाइट करता क्योंकि आपको प्यार करता और आप भी मुझे प्यार करते हैं। इसके लिए आज मेरे जन्मदिन में इतने लोग ने मुझे विश किया है। बेलाई बेलाई नो हम बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। एंड ग्रेटर तिपरलैंड का मूवमेंट को हमें जारी रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यूथ आज इवनिंग में मेरे जन्मदिन और ड्रग्स के लिए, ड्रग्स के अगेंस्ट एक प्रोग्राम भी है, अरुणाचल से फेमस सिंगर आ रहा है, गाना गाएगा। आप इन्जॉय कीजिए, लेकिन एन्जॉयमेंट के बाद ये मत भूलिए कि ड्रग्स भी हमारे सोसाइटी के खिलाफ है, ड्रग्स के अगेंस्ट भी हमें फाइट करना है। और यूथ, यू आर द होप, हमारा समय तो गया, ये आप हमारा आशा है, यू आर द होप। ये होप को तोड़ने मत देना, बहुत लोग हमें बांटने की कोशिश करेंगे, मैं तभी भी कमिटेड हूँ। और जो गलती IPFT ने किया 2018 में, वो गलती मैं नहीं करने वाला हूँ। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर अ डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड, हम लोग सरकार में नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर बिना साइन करके, बिना अग्रीमेंट होकर हमने गवर्नमेंट में हम बैठ चुके, तो हमें भी खेला जाएगा, ये चांस हम लोग नहीं दे सकते। बेलाई बेलाई नो हम बाय खुलुंगा, वंस अगेन थैंक यू फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे, आई लव यू।